Again, very good afternoon, students. As I have told you, today we will do our chapter number 24, subject word agreement. We nouns and pronouns can be singular or plural. जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि noun और plural दोनों ही singular भी हो सकते हैं और plural भी हो सकते हैं. Mean एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और एक के बारे में भी हम बात कर सकते हैं. लाइक पर्संस के बारे में अगर चाइल्ड है तो सिंगुलर है, चिल्ड्रन है तो प्लूरल है, ये नाउन है. और प्रोनाउन ही अगर यूज करेंगे तो हम सिंगल पर्सन के लिए करेंगे, वी, दे, ये प्लूरल है. मीन्स हमारे नाउन्स और प्रोनाउन्स दोनों सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी होते हैं. इन ऑर्डर टू मैच देम वर्ब्स टू हैव टू बी सिंगुलर और प्लूरल. अगर हमारे नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर या प्लूरल हैं तो उन्हें मैच करने के लिए हमारे जो वर्ब्स हैं, जो एक्शन वर्ड्स हैं, वो भी सिंगुलर या प्लूरल होने चाहिए. सिंगुलर से सिंगुलर को मैच करेंगे और प्लूरल से प्लूरल को. दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ओके, अ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब विद इट. सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो उसके साथ हम किसे मैच करेंगे, सिंगुलर वर्ब को. और अगर हमारा प्रोनाउन या नाउन प्लूरल होगा तो उसके लिए हमें वर्ब भी क्या चाहिए होगा, प्लूरल. लेट अस स्टडी. इज आर एम. वी यूज इज विद सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउन्स. मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि इज जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने ये किया था, इसको हम सिंगुलर नाउन प्रोनाउन्स के साथ यूज करते हैं. लाइक दिस चेयर. दिस चेयर, चेयर क्या है, नाउन, सिंगल है, इसलिए उसके साथ हमने क्या यूज किया, इज. ट्रेन सिंगुलर है, उसके साथ भी इज. और ही सिंगल प्रोनाउन है, उसके साथ भी हमने क्या यूज किया, इज. आर हम क्या यहाँ यूज करते हैं, जब हमारे नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होते हैं. लाइक दीज चेयर्स. चेयर्स यहाँ प्लूरल है. ट्रेन्स नेक्स्ट सेंटेंस में प्लूरल है. और दे आर स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल. स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो प्लूरल हैं, तो उनके साथ हमने आर यूज किया. और एम हमेशा किसके साथ यूज होता है, आई के साथ. ये आप सब कुछ पहले पढ़ चुके हो. लेट अस प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद इज, आर और एम. ओके, I blank keen to learn guitar. Raise your hands. Yes, Daksh. Ma'am, am. Yes, I am keen to learn guitar. Second one, vitamins blank protective foods. Vitamins blank protective foods. Lavisha. Is. No, beta, vitamins. एस लगा हुआ है, प्लूरल बना हुआ है. प्लूरल के साथ क्या यूज करते हैं, आर. नेक्स्ट वन, ब्लैंक ऑलवेज पंक्चुअल. यस अवि. अवि, यू ब्लैंक ऑलवेज पंक्चुअल. Yes, R. U को हम हमेशा प्लूरल में काउंट करते हैं. U सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए, लेकिन हम हमेशा उसके साथ वर्ब जो लगाते हैं वो प्लूरल वाला लगाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज टूडे द सन ब्लैंक वेरी ब्राइट. टूडे द सन ब्लैंक वेरी ब्राइट. अनन्या. मैम इज. Yes, today the sun is very bright. Very good. Next one, it blank an empty jug. It blank an empty jug. Jaslyn, Avi, mute yourself. Mommy. Yes, Jaslyn. Mommy. It is. Yes, it is an empty jug. Next is, these apples blank ripe and sweet.
These apples blank, ripe and sweet. Ishika? Ma'am, Yes, these apples, apples plural है, इसलिए हम इसके साथ कौन सा verb लगाएंगे? Are, very good. Next, seventh, very few players blank fit. Very few players blank fit. Daisy? Ma'am, may I? Are. Yes, very few players are fit. Next one, Shilpa blank, a very sincere friend. Shilpa blank, a very sincere friend. Karun? Jasleen, mute your mic. Mute yourself with a... Yes, Karun? Karun? Yes, ma'am. Shilpa blank, a very sincere friend. Yes, ma'am. क्या आएगा बच्चे शिल्पा के साथ? Is, are और am? बच्चे yes, Shilpa is, क्योंकि शिल्पा singular noun है. Shilpa is a very sincere friend. Next is, we blank is, wait. Okay, beta. Okay, beta. Okay, Karun. Next, ninth one, we blank waiting for our result. Blank waiting for our result. Chirag. Chirag Mittal. Chirag, unmute yourself. Chirag. Daksh Mehla. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We blank waiting for our result. Ma'am, we are. Very good. We are waiting for our result. The table blank made of wood. Last one. The table blank made of wood. Ananya? Mommy. Yes, the table is made of wood. Very good. Next, verbs are was and were. We use was with singular noun and pronouns. For example, the book was on the table. Here, book, it's the subject, singular subject. Okay? We are using was with singular noun. And I is also singular. I was sorry for my mistake. Next is we use were with the plural nouns and pronouns. For example, the books. Books are plural. So we are using were with this. And next is they were good speakers. They is also plural. With you, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, you हमेशा plural के लिए count होता है. अगर हम एक person से बात कर रहे हैं, single person से बात कर रहे हैं, तब भी you use करते हैं, plural के लिए भी you use करते हैं, but हम हमेशा वर्ब जो लगाते हैं यू के साथ वो प्लूरल वाला लगाते हैं. दैट मीन्स हम कौन सा वर्ब यहाँ यूज करेंगे यू के साथ? वर. ओके, सिंगुलर के साथ वॉज एंड प्लूरल के साथ वर. लेट्स डू दिस एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज और वर. यू ब्लैंक ऑलवेज काइंड टू एनिमल्स. आयुष दीक्षित. You blank always kind to animals. Ayush Dikshit. Ayush.
Karun. Mom, may I? Karun. Yes, ma'am. Yes. You blank always kind to animals. Which verb we have to use? Was or were? You ke saath kya aayega? Were. Yes. You were always kind to animals. Next one. It blank holy yesterday. It blank holy yesterday. We played holy with dry colors. Jaslyn. Jaslyn, it blank holy yesterday. It was. Jaslyn, batao bachi. It was. Ma'am. Levansh. It was. Levansh. Ma'am, yes. It was. बताइए बच्चे, it blank holy yesterday. It was me. Who is speaking? Wait for your turn. Yes, Levansh. It blank. Yes, Peter. Was. Yes, it was holy yesterday. Next is Dhyanchand blank a great hockey player. Dhyanchand blank a great hockey player. Nilesh. Yes, Ishika, ma'am. Mute yourself and wait for your turn. Yes, ma'am. Ma'am. Nilesh. Dhyanchand blank a great hockey player. Ma'am, was. Yes. Dhyanchand was a great hockey player. Very good. Next one. Miss Burman taught us computers. She blank an excellent teacher. She blank an excellent teacher. Daisy. Yes, ma'am. Miss Burman taught us computers. She blank an excellent teacher. Was. Yes, she was an excellent teacher. Why blank there are so few children? Why blank there are so few children? Daksh. Yes, ma'am. Why blank there are so few children? Ma'am, why was? Were, beta, children. Okay? Okay, ma'am. Most of them did not come because it blank very cold. Most of them did not come because it blank very cold. Ayush Dikshit. Yes, Ayush. Most of them did not come because it blank very cold. Yes, Bachi. It is very cool. Please repeat. It is very cool. We are using was. We are using was or were. Ma'am, may I? Yes, Daksh. Yes, ma'am. Most of them did not come because it blank very cold. Ma'am, was. Yes, it was very cold. Next one, there blank a long queue. At the railway station, a long queue. Nilesh.
Yes, ma'am. There blank a long queue. Queue hota hai line. At the railway station. Ma'am, was. Yes. Next one. Her mother blank disappointed to see her report card. Her mother blank disappointed to see her report card. Lavisha? Yes, ma'am. Her mother blank disappointed to see her report card. Yes, her mother was disappointed. Next, their tiffins blank in their hands. Their tiffins blank in their hands. Ananya? Mom was. Yes, their tiffins were in their hands. Next, I blank at home the whole Sunday. I blank at home the whole Sunday. Daisy? Yes, ma'am. I blank at home the whole Sunday. Was. Yes, I was at home. Next, 10th. There blank several new points in your paragraph. There blank several new points in your paragraph. Yes, Ishika? Ma'am, was. Was? Ma'am, bar bar. Several new points. Points ke baare mein baat kar rahe hain. Were. There were several new points in your paragraph. Now, has or have? We use has with singular nouns and pronouns and have with plural. For example, a triangle has three sides. Triangle singular hai. So we are using has with a triangle. Next example is he has a new motorcycle. He is also a singular noun. So we are using has. We use have with plural nouns and pronouns. All the rooms have windows in them. Rooms is plural noun. So we are using have with rooms. Next is we. We have a good library. We means hum. Means we are talking about more than one person. So we are using here have. With I and you, we always use have. I is singular, but we use always have with I. Okay, always keep in mind, we always use have with I and you. Let's do this exercise. Fill in the blanks with has or have. I blank many Barbie dolls. I blank many Barbie dolls. Daksh. Yes, ma'am. I blank many Barbie dolls. Ma'am, I have. Beta, abhi maine aapko bataya ki hamesha I aur you ke saath hum have use karenge. I singular hai, but I ke saath yahan have use hota hai. I blank many Barbie dolls. I have many Barbie dolls. Okay. Next is these flowers blank a nice fragrance. Fragrance hota hai khushbu. These flowers blank a nice fragrance. Daisy. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fragrance. What we have to use here? Has or have? In second mein. Yes, beta. These flowers. Them have. Yes, these flowers have a nice fragrance. Very good.
Next one. This Samsung cell phone blank many new features. This Samsung cell phone blank many new features. Ayush? Ayush Dikshit? Has. Yes. This Samsung cell phone has. Cell phone singular hai. Isliye hum kya use kar rahe hain yahan par? Has. Next is, this wall blank a crack in it. This wall blank a crack in it. Nilesh? Yes, ma'am. This wall blank a crack in it. Ma'am, have. Yes, have. Ma'am, has. Beta, this wall, divar, singular hai. तो क्या आना चाहिए सिंगुलर के साथ has this wall has a crack in it. Next, I blank got only two shirts. I blank got only two shirts. Ishika? Ma'am have. Yes, I have got only two shirts. Next is, my sister blank got many dresses. My sister blank got many dresses. Karun? Ma'am has. My sister has. My sister singular hai. Toh hum kya use karenge iske saath? Has. Next is, our school blank two large playgrounds. Our school blank two large playgrounds. Nilesh? Yes, may I? Our school has or have? Ma'am, have. Nilesh, what are you doing? सिंगुलर के साथ एक चीज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम हैज लगाते हैं एच ए एस और जब हम एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हो तो हम हैव लगाते हैं एच ए वी ई और थर्ड रूल इसका क्या है आई और यू के साथ हमेशा हैव आता है इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है सिंगुलर सब्जेक्ट आपका है सिंगल चीज के बारे में सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहे हो तो आप लगाओगे हैज एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हो तो लगाओगे हैव और आई और यू के साथ हमेशा हैव आता है ओके आर स्कूल हैज टू प्लेग्राउंड्स नाउ एच पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट मीन जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे और अगर प्लूरल है तो वर्ब की फॉर्म एज इट इज आएगी ओके और नेगेटिव अगर हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट Okay, yes, fill in the blanks with the correct form of the verb given in the bracket. I always blank my friends. Par I ke saath maine aapko bataya tha ki I jabki singular hota hai, lekin uske saath hum S ya ES nahi lagate. Verb ki first form as it is aati hai. I always blank my friends. I always blank my friends. Yes, Karun? Yes, ma'am. I always blank my friend. आपको simple present tense fill करना है. Simple present tense का rule मैंने अभी आपको बताया है. कि अगर आपका subject singular है, तो आप verb की first form के साथ S या ES लगाओगे.
अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और आई के साथ आई जबकि सिंगुलर है सब्जेक्ट, लेकिन इसके साथ हम एस या एस नहीं लगाते. Yes, now tell me. I always help my friends. Very good. I always help my friends. Second one, he blank very hard near the examination. Ananya? Mom works. Yes, he works very hard near the examination. Very good. थर्ड वन, दिस शॉप ब्लैंक ऑन संडेज. अब आपने इसका नेगेटिव बनाना, और नेगेटिव बनाने के लिए आप हमेशा ध्यान रखोगे अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज नॉट यूज करोगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू नॉट यूज करोगे. ओके, ये सब आप पहले कर चुके हो बच्चे. दिस शॉप ब्लैंक ऑन संडेज. इशिका? Ma'am, does not open. His shop does not open Sunday. Very good. Yes. Blank, sorry, next one. A lion blank grass. The third one. Okay, this shop does not open Sunday. Does it open Sunday? डू के साथ ईएस लगा दिया है. ओके, दिस शॉप डज नॉट ग्रास. अ लॉयन ब्लैंक ग्रास, ब्रैकेट में है नॉट ईट. Karun? A lion does not eat grass. Very good. A lion does not eat grass. Next one, blank you blank to attend birthday parties. Blank you blank to attend. ये आपका question mark वाला बनेगा बेटे, interrogative. इसमें आपको do या does पहले use करना है. You के साथ क्या use करते हैं आपको ये पता होना चाहिए. ओके, ब्लैंक यू ब्लैंक टू अटेंड बर्थडे पार्टीज. यस अनन्या? मैम हैव एंड हैड. यस, डू के यू के साथ आप क्या यूज करोगे, डू और डज? अनन्या, यू के साथ आप क्या यूज करोगे? यू के साथ बच्चे, यू के साथ हमेशा प्लूरल वाला काउंट होता है, प्लूरल वाला वर्ब आता है. डू यू लाइक टू अटेंड बर्थडे पार्टीज? यू के साथ हमेशा बेटा डू आता है. ओके, डू यू लाइक टू अटेंड बर्थडे पार्टीज? नेक्स्ट वन, ब्लैंक शी ब्लैंक टाइम टू प्रैक्टिस डांस. शी के साथ क्या आएगा? इशिका? मैम शी के साथ. मैम डज डज शी क्या बनेगा सेंटेंस? डज शी गेट टाइम टू प्रैक्टिस? वेरी गुड. डज शी गेट टाइम टू प्रैक्टिस डांस? नेक्स्ट, वेयर ब्लैंक अनंत ब्लैंक. आनंद के साथ क्या आएगा ये आपको पता होना चाहिए. करुण? यस मैम. वेयर ब्लैंक अनंत ब्लैंक. आनंद के साथ क्या लगाएंगे हम, डू या डज? वेयर डज अनंत लाइव? लाइव नहीं बच्चे, लिव. ओके, वेरी गुड. वेयर डज अनंत लिव? वेरी गुड. नेक्स्ट लास्ट वन, व्हाई ब्लैंक यू ब्लैंक टू स्कूल लेट? व्हाई ब्लैंक यू ब्लैंक टू स्कूल लेट?
Yes, ma'am. Why blank? You blank to school late. You ke saath kya aayega? Do ya does? Do come. Yes. Why do you come to school late? Very good. Last part of this chapter. Correct these sentences. Sentences में जो आपकी verb है वो गलत use हुए हैं. आपको उन्हें correct करना है. ये मैं ही आपको करा रही हूँ. Be attentive. How many brothers and sisters do she have? Brothers and sisters के साथ have है, लेकिन she के बारे में she हमारा जो subject है वो singular है. तो she के साथ हम do नहीं does use करते हैं. How many brothers and sisters does she have? Do की जगह यहाँ does होना चाहिए था. Okay? आपने कंप्लीट सेंटेंस नोट करना है और उस मिस्टेक को करेक्ट करना है. नेक्स्ट इज अपर्णा एंड मनदीप स्टडीज इन क्वींस वैली एसएस स्कूल. अपर्णा एंड मनदीप, अब ये दो हो गए, मोर देन वन, तो ये प्लूरल है. प्लूरल के साथ हम कभी भी एस या ईएस नहीं लगाते. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वर्ब एज इट इज लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस नहीं लगाते. तो यहाँ क्या आना चाहिए था? अपर्णा एंड मनदीप स्टडी इन क्वींस वैली एस एस स्कूल. नेक्स्ट वन, गुलीवर्स ट्रेवल्स आर अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक. गुलीवर्स ट्रेवल्स, एक ही बुक का नाम है ये. ट्रेवल्स के आगे एस लगाने से ये बुक्स प्लूरल नहीं हो गई हैं. ये नाम है बुक का, गुलीवर्स ट्रेवल्स. तो यहाँ एक ही बुक के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ आर नहीं इज आना चाहिए था. गुलीवर्स ट्रेवल्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक. नेक्स्ट इज वेयर वॉज सारंग एंड रोहन गोइंग. सारंग और रोहन दो लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? प्लूरल. और प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं? वर. वेयर वर सारंग एंड रोहन गोइंग. ओके, नेक्स्ट वन, पूजा हैव सम इंटरेस्टिंग वीडियो गेम्स. पूजा सिंगुलर है इसलिए हैव नहीं, यहाँ हैज आना चाहिए. पूजा हैज सम इंटरेस्टिंग वीडियो गेम्स. ओके, सिक्स्थ इज मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता लिव्स एट अकोला. अब मिसेज और मिस्टर गुप्ता दो हो गए, एक से ज्यादा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो लिव्स नहीं आना चाहिए था. यहाँ क्या आना चाहिए था? लिव. फर्स्ट फॉर्म एज इट इज आनी चाहिए थी, क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करते हैं. ओके, एंड द लास्ट वन, द चिल्ड्रन वॉज गिविंग एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस. वॉज चिल्ड्रन के साथ, चिल्ड्रन प्लूरल है, यहाँ कौन सा होना चाहिए था? Were giving an excellent performance. Okay? Okay, yes, dear students, we have only 1 minute. Have you any query? कुछ पूछना चाहते हो आप? No, ma'am.